किसान भाइयों आप भी सब्जियों की अगेती खेती करके अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं अगर हम बात करें तो आप एक महीने में ही डेढ़ से दो लाख रुपए इन सब्जियों की खेती करके कर सकते हैं ऐसी दस सब्जियां हैं जिनको आप अगेती के रूप में अगर तैयार कर लेते हैं तो आपको मार्केट में अस्सी रुपये से लगा करके एक सौ प्रति किलो का रेट मिलने वाला है और अगर एक महीना एडवांस आपकी फसल तैयार हो जाती है तो एक महीने में ही डेढ़ से दो लाख रुपये प्रति एकड़ आपकी इनकम हो जाएगी क्योंकि अगर आप इसको एडवांस तैयार करेंगे तभी ये प्रॉफिट आपको मिलना है अगर जब सब किसान के खेत में ये फसल तैयार होती, होती है ये तैयार होती हैं तो इतना ज़्यादा गंदा रेट हो जाता है इतनी कम कीमत हो जाती है कि छः से आठ रुपये प्रति किलो भी मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है तो इसलिए अगेती खेती करके ही आप इन दस सब्जियों की अच्छी खासी इनकम ले सकते हैं टोटल जानकारी इस वीडियो में हम शामिल कर रहे हैं कुछ जानकारी अगर छूट जाएगी तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिल जाएगी चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं लेकिन चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन दबा लीजिएगा जिससे आने वाली वीडियो भी आपको देखने को मिलती रहेंगी कमेंट में पूछ सकते हैं अगर कोई जानकारी इसमें छूट गई है तो हम नेक्स्ट वीडियो में भी शामिल कर लेंगे और अगर कोई जानकारी आप चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं पहले हम इन दस सब्जियों की बात कर लेते हैं यानी कौन कौन सी सब्जियां आप अगेती के रूप में तैयार करेंगे तो आपको 80 से 120 रुपए प्रति किलो का रेट मिल जाएगा देखिए अगर आप इस टाइम पर कद्दू तरोई लौकी खीरा ककड़ी खरबूजा तरबूज करेला टिंडा और भिंडी इनकी फसल तैयार कर लेते हैं तो अगर आपकी मार्च में भी निकलने लगती हैं ये फसल आपकी मार्च में भी उपलब्ध हो जाती है तो मार्च में क्या होता है कि शादी विवाह अधिक होते हैं त्यौहार प्रोग्राम फंक्शन अधिक होते हैं तो उसमें डिमांड इनकी ज़्यादा हो जाती है और डिमांड ज़्यादा हो जाती उपलब्ध इतनी नहीं हो पाती हैं तो एडवांस में अगर आप इनको पहुंचा देते हैं मंडी में तो आपको अस्सी रुपये से एक सौ तक का भाव मिल जाता है जो काफ़ी अच्छा कहा जा सकता है इस हिसाब से यदि एक दिन में एक एकड़ एक में एक कुंतल भी आप सब्ज़ी निकाल लेते हैं तो लगभग पाँच से छः हज़ार की प्रतिदिन की आपकी सब्ज़ी निकल आएगी और आपके डेढ़ से दो लाख रुपये एक एकड़ में एक महीने में ही निकल आएंगे तो बाकी टाइम पर जो आपकी सब्ज़ी रहेगी वो भी धीरे धीरे रेट डाउन होंगे तो उस हिसाब से आपकी इनकम काफ़ी अच्छी हो जाएगी और जब तक दूसरी सब्जियां मार्केट में आएंगी तब तक आपका काफी अच्छा मुनाफा हो चुका होगा और बाद में जो आ, दूसरी सब्जियां जब मार्केट में सभी उपलब्ध होंगी तब आपका जो सिंचाई लेबर खाद पानी का खर्चा है तो वो भी आपका बाद में निकल आएगा यहाँ पर आपको जो दिखाई पड़ रहा है तो दोस्तों इस में जो इस खेत में है इसमें एक दिसंबर को ही बीज की रोपाई कर दी गई है अब एक दिसंबर को आप सोचते होंगे उस टाइम पर यानी इस टाइम पर तो काफ़ी ठंड होता है टेम्परेचर काफ़ी डाउन होता है ऐसे में तो पौधे उगेंगे नहीं तो पौधे नहीं उगेंगे तो दोस्तों उसका तरीका आपको करना पड़ेगा अगर आप सीधे खेत में बुआई कर देते हैं तो पौधे नहीं उगेंगे उगेंगे तो ठंडक ज़्यादा होगी पाला कोहरे से पौधे मर जाएंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा तो इसके लिए आपको प्रॉपर व्यवस्था करनी पड़ेगी व्यवस्था आप इसमें देख रहे हैं कि इस तरीके से किया हुआ है तभी ये पौधे आपको लग हुए दिखाई पड़ रहे हैं अभी इसमें एक दिसंबर को रोपाई कर दी गई थी बीज की और 18 से 17 18 दिन में जो है पौधे निकल आए थे बाहर और आज 16 जनवरी है और 16 जनवरी में देख सकते हो कि एक महीने के कद्दू लौकी तुरई के पौधे हो चुके हैं अब ये एक महीने के हो चुके हैं और 60 दिन के बाद इसमें फलत होना चालू हो जाएगी तो इस हिसाब से 20 फरवरी तक इसमें थोड़ी बहुत ए, सब्जियां निकलना चालू हो जाएंगी और थोड़ी बहुत जब सब्जियां निकलेंगी तो उनको अगर किसान जब मार्केट में ले जाएगा तो काफ़ी बढ़िया रेट मिल जाएगी हो सकता है कि 120 से लगा करके एक सौ प्रति किलो का भी किसान को भाव मिल सकता है तो अगर इसके खेत में पूरे खेत में 10 से 12 किलो भी शुरुआत में निकलती हैं तो धीरे धीरे बढ़ना चालू होंगे तो शुरुआत में दस से बारह किलो डेढ़ सौ के हिसाब से या एक से के हिसाब से बिक्री कर लेता तो चौदह पंद्रह की आसानी से एक दिन की सब्जियां निकल आएंगी तो काफ़ी अच्छी इनकम मिल जाएगी काफ़ी फायदा अच्छा भी मिलेगा यानी अगेती के रूप में यदि आप पैदावार कम भी लेते हैं तब भी आपकी इनकम ज़्यादा होती है और जब सबकी सब्जियां मार्केट में आती हैं उस टाइम पर अगर आपकी पैदावार खेत में बढ़ भी जाती है उत्पादन ज़्यादा भी मिलता है तो इतना कम रेट होता है कि उससे कोई कमाई नहीं होने वाली है तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं बस करने में क्या है कि जो जो सब्जियाँ आप लगा सकते हैं उनके बारे में पहले बता देते हैं फिर जिस तरीके से आपको व्यवस्थाएं करनी है उसके बारे में आपको थोड़ा समझा देते हैं डिटेल से अगर चाहते हैं कि कैसे क्या चीज़ें तैयार करना है कैसे सब्जियां तैयार करना कैसे पौधे को अंकुरित करना है क्या व्यवस्थाएं करनी है तो कमेंट में बताइएगा तो हम डिटेल से उसका पूरा प्रॉपर डिटेल कैसे क्या कर रहे हैं कैसे क्या किया जाता है वो भी जानकारी आपको दे देंगे तो यहाँ पर दस सब्ज़ियाँ कौन सी लगा सकते हो देखिए इस टाइम पर कद्दू लगा सकते हो कद्दू या इस टाइम पर लगा दोगे और मध्य फरवरी या मार्च में भी आपका पहुंचने लगेगा तो 80 से 100 रुपए या इसके ऊपर भी बिक सकता है दूसरी है तरोई ये सब्जी भी काफ़ी अधिक डिमांड रहती है क्योंकि बहुत अधिक डिमांड रहती है और मार्केट में उपलब्ध नहीं होती तो ये भी आप लगा सकते हैं इस टाइम पर तीसरी है लौकी लौकी भी अगर आप लगाते हैं और एडवांस में मंडी में पहुँचा देते हैं तो यह भी काफी अच्छी रेट इसकी भी मिल जाती है तीसरा है खीरा खीरा की शादी विवाह पार्टियों में डिमांड बहुत अधिक रहती है जिससे इसका रेट काफी अच्छा मिलने का चांस है अगर आपने एडवांस में तैयार कर लिया है तो डेढ़ सौ रुपये प्रति किलो तक भी आपको रेट मिल सकता है तीसरी है ककड़ी जो सलाद में यूज़ की जाती है ककड़ी उस ककड़ी की भी डिमांड काफ़ी ज़्यादा रहती है तो इसको भी आप एडवांस लगा सकते हैं खरबूज हो गया तरबूज हो गया तो इनको भी आप एडवांस लगा सकते हैं तो ये भी काफ़ी अच्छी रेट दे देते हैं क्योंकि प्रोग्राम फंक्शन में इनकी भी डिमांड फलों के रूप में ज़्यादा रहती है और अच्छी खासी रेट भी इनकी मिल जाती है फिर हो गया करेला हो गया टिंडा हो गया और भिंडी हो गई तो ये इन सब सब्जियों की खेती आप ऐसी दस सब्जियां हैं जिनको एडवांस में करके अच्छी खासी इनकम ले सकते हैं अच्छी रेट पर आपकी बिकने वाली हैं अब इनको अगर आपको एडवांस में बीज तैयार करना है अंकुरण तैयार करना अंकुरित करना है लगाना है तो इनकी एडवांस विधि भी अपनानी पड़ेगी विध में क्या करना है जिस तरीके से यहाँ पर पोलीथीन डाली गई है इस तरीके से खेत में भी आप पूरे लगा करके पोलीथीन इस तरीके से डाल सकते हैं या किसी एक प्रॉपर जगह पर नर्सरी तैयार करके और बाद में इन पौधों को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं होता क्या है कि दिसंबर और जनवरी महीना ये ऐसा रहता है जिस टाइम पर टम्परेचर बहुत डाउन होता है पाला कोहराद पड़ता है टेम्परेचर डाउन होता है तो नॉर्मल खेत में जैसे बाद में लगाएंगे उस तरीके से यदि आप बीज को लगा देंगे तो पहली बात तो जमाव नहीं होना अगर जैसे तैसे करके जमाव हो जाता है तो पौधा जो है सर्वाइव नहीं कर पाएगा टेम्परेचर डाउन होने के कारण मर जाएगा तीसरी चीज़ है कि इसमें जब पानी आदि की जरूरत होगी तो उस टाइम पर क्योंकि पानी भी यदि अधिक लगा दोगे तब भी मर जाएगा तो इसलिए आपको इसको प्रॉपर नर्सरी को तैयार करने का पड़ेगा और प्रॉपर तरीके से टेम्परेचर को सही करना पड़ेगा टम्परेचर डाउन होगा तो ये आप एडवांस खेती नहीं कर सकते हो जैसा कि आप देख रहे हो कि इसमें पॉलीथीन के अंदर पौधे लगे हुए हैं अब एक दिसंबर को ही नर्सरी पौधे बीज लगा दिए गए थे और आज 16 दिसंबर को इतने इतने बड़े पौधे हो गए अब इनके ट्रांसप्लांट जो है आठ से दस दिन के बाद कर दिया जाएगा तब तक थोड़ा मौसम सही होगा यानी पहली फरवरी को ट्रांसप्लांट कर दिया जाएगा और जब तक पौधा जो है लगभग पैंतालीस दिन का हो चुका होगा और 60 दिन पर इसमें जो है फलत होना चालू हो जाएगी तो ये तरीका आप भी अपना सकते हैं तरीका अपनाने में बस आपको पॉलीथीन लेना है कुछ डंडियाँ काट लेना है कुछ तार आदि लेना है रस्सी ले लेना है और उसको बांध देना है उसके नीचे आपको ये नर्सरी तैयार करना है नर्सरी आप सीधे जैसे इसमें है तो खेत में ही नर्सरी तैयार कर दी गई आप कोकोपिट में भी तैयार कर सकते हैं या सीधे खेत में भी लगा करके और ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं ट्रांसप्लांट नहीं करना चाहते हैं तो आपको तीन तीन फिट की दूरी पर जिग जैक विध से भी सीधे खेत में लगा सकते हैं बल्कि ऊपर पोलीथीन तो आपको लगानी पड़ेगी पोलीथीन यदि ऊपर से लगा देते हैं तो अंदर पोलीथीन का टेम्परेचर डाउन नहीं होता ऊपर का डाउन हो जाता है चार पाँच डिग्री तक हो जाता है लेकिन अंदर 15 से 20 डिग्री बना रहता है जो एक पौधे को सर्वाइव करने के लिए आवश्यक टेम्परेचर है वो बना रहता है धूप भी निकलती है तो और भी अंदर टेम्परेचर अच्छा हो जाता है और जो है इस पर पाले कोहरे का असर नहीं पड़ता है और टम्परेचर भी डाउन नहीं होता है तो बस ये तरीका आपको अपनाना है अगर आप एडवांस में पौधे उगाना चाहते हैं बाकी एक पुराना वीडियो मैंने बनाया था तो उस पर तीन साल पहले भी मैंने कैसे तैयार करें दिसंबर में सब्जियों के पौधे वो भी आप देख सकते हैं बाकी इसको कैसे तैयार करना किस तरीके से क्या व्यवस्थाएं करनी है यदि फुल डिटेल चाहते हैं तो आपको कमेंट करना पड़ेगा कमेंट में बताओगे तो मैं उस पर भी जानकारी आपको दे दूंगा। बाकी इसमें देख सकते हो कि आज को कितने अच्छे पौधे निकल चुके हैं कुछ बाद में लगाए गए तो कुछ पौधे बड़े हो चुके हैं और इस तरीके से ये बहुत पहले तैयार हो जाएंगे और बहुत पहले तैयार हो जाएंगे तो काफ़ी अच्छा किसान को ये प्रॉफिट देने वाले हैं बस दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में जानकारी कैसी लगी कमेंट में बताइएगा धन्यवाद